दिल्ली के पर्पलगंज से बड़ी खबर, जहां पर सीट से मनीष सिसोदिया जीते हैं। तो पर्पलगंज सीट से मनीष सिसोदिया जीते हैं। पहली बार किसी चुनाव में शिक्षा पर हुए काम की जीत हुई है, ये शिक्षा की जीत है। सर, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट ने बड़ी तगड़ी फाइट दिया, पूरा मुकाबला अलग अलग सीट्स पे अलग अलग तरीके से। सर, लेकिन तीन नंबर की फाइट आ जाएगा। सर, बीजेपी तगड़ी फाइट, काफी कड़ा मुकाबला था, क्या कहेंगे सर? बीजेपी ने काफी नफरत की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, बीजेपी ने काफी इस बात की कोशिश की कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ पड़े, लेकिन मुझे खुशी है कि पटपड़गंज के मेरे वोटर्स, पटपड़गंज के मेरे भाई बहन बटे नहीं और कुल मिला के आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी को जिताने के लिए एक बार पूछना चाहूंगा शाहीन बाग के बारे में। शाहीन बाग के बारे में जो आपने कमेंट किया था कि शाहीन बाग के साथ में खड़ा हूं, उसका कारण तो नहीं है जो आपका इतना बीजेपी आपको? नहीं, मुझे लगता है जीत महत्वपूर्ण है, जीती है। तो आप देख सकते हैं मीडिया से मुखातिब होते हुए मनीष सिसोदिया साफ तौर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली की जीत है। तो पड़पड़गंज सीट से मनीष सिसोदिया ने जीत हासिल की है। ये ताजा अपडेट दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर हम आपको दे रहे हैं। राजेंद्र नगर सीट से आपके राघव चड्ढा जीत चुके हैं, तो ओखला से आपके अमानतुल्ला खान जीते हैं। जिस 8 सीटों पर कांटे की टक्कर चल रही थी, अब उसमें कहीं ना कहीं नतीजे सामने आने लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे? पूरी दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल जी के माइक नीचे करो। केजरीवाल जी ने जो आम जनता के लिए काम किया, उनका पकड़न भाई परिवार का बेटा बनके काम किया, उसको वोट किया है और बहुत खुशी है कि पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने की मोबाइल कौन है भैया मिली है। मुझे पटपड़गंज के विधायक बनने पर एक बार फिर से खुशी हो रही है। सर, आप भैया मोबाइल पीछे कर लो यार। बहुत काम हुए थे शिक्षा पर, पटपड़गंज में बहुत काम हुए थे, पूरी दिल्ली में शिक्षा पे काम हुए मेरे। अरे भैया मोबाइल पीछे कर लो यार, देश में पहली बार कैमरे के आगे लगा दिया। शिक्षा पर हुए काम की जीत हुई है, ये शिक्षा की जीत। मुकाबला अलग अलग सीट पे अलग अलग। सर, लेकिन तीन नंबर गेट बताया जाएगा। बीजेपी ने काफी नफरत की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, बीजेपी ने काफी इस बात की कोशिश की। मुझे खुशी है कि पटपड़गंज के मेरे वोटर्स, पटपड़गंज के मेरे भाई बहन बटे नहीं और कुल मिला के आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी को जिताने के लिए एक बार पूछना चाहूंगा शाहीन बाग के बारे में। शाहीन बाग के बारे में जो आपने कमेंट किया था कि शाहीन बाग के साथ में खड़ा हूं, उसका कारण तो नहीं है जो आपका इतना बीजेपी आपको? मुझे लगता है जीत महत्वपूर्ण है, जीती है।